प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में उन्होंने हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की ओर से द्वितीय भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम 2022 एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित नामक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि दीपों के पर्व दिवाली के पावन मौके पर हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से बीते वर्ष से भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री रोड स्थित मंदिर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्रोणासागर अतीत कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मंच से अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम के संबोधन से की। मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर ऐसी विजनरी नेतृत्व है जिसने भारत की पुरातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आज पूरा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर एक ऐसा विजनरी नेतृत्व है जिन्होंने भारत की पुरातन संस्कृति को फिर से आगे लाने का काम किया है। भैया मोबाइल 2014 से पहले का अगर हम सबको कालखंड याद हो, धन्यवाद, तो उस कालखंड में भारत की पहचान क्या हो गई थी? भारत की पहचान हो गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, दुनिया की आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाने वाला भारत। आज का भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन गया है। समरस भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।